बांका एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा अपराध गोष्ठी आयोजित कर लंबित कांडों का अविलंब निष्पादन करने का दिया निर्देश। श्रावणी मेला को लेकर पदाधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। जिले के आनंदपुर ओपी थाना परिसर में शुक्रवार को बांका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम एसपी को सशस्त्र पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार ने एसपी को गुलदस्ता भेंट किया। अपराध गोष्ठी में बांका जिला के सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक बांका, बौंसी, कटोरिया, रजौन, परचारी अवर पुलिस केंद्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर पुलिस केंद्र बांका में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी, महिला थाना अध्यक्ष आदि पुलिस कर्मी उपस्थित थे। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा माह जून 2023 में प्रतिवेदक कांडों के सभी थाना अध्यक्षों के लंबित कांडों का बारी बारी से समीक्षा किया गया। समीक्षा उपरांत जिला अंतर्गत प्रतिनिधि महत्वपूर्ण कांड के अनुसंधान में पाई गई त्रुटि एवं उसका निराकरण कैसे किया जाए तथा अपराध पर अंकुश लगाने हेतु सभी थाना अध्यक्षों, अंचल परीक्षकों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ 4 जुलाई से चल रहे श्रावणी मेला को देखते हुए संध्या एवं रात्रि में सघन गश्ती करने का निर्देश दिया गया। सघन गश्ती अभियान के तहत खासकर वित्तीय संस्थान तथा बैंक, एटीएम एवं सीएसपी के आसपास निश्चित रूप से गश्ती कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को स्वयं सक्रिय होकर रात्रि में अपने अपने थाना के क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर रोको टोको अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा अवैध शराब की तस्करी, भंडारण, परिवहन तथा अवैध उत्खनन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया। इसी क्रम में एसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों को उपहार स्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जो है वो हम लोगों ने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, एसडीपीओ, सीआई यहाँ पर आए और अभी जो हम लोग का श्रावणी मेला चल रहा है और आने वाले पर्व त्यौहार जैसे मुहर्रम 29 जुलाई को है और कांडों का डिस्पोजल, विशेष अभियान चलाने हेतु शराब के विरुद्ध विशेष अभियान, बालू के विरुद्ध में विशेष अभियान और अन्य जो भी पुलिस का कार्य होता है उसके खिलाफ में किस तरह से हम लोग आने वाले महीने में कार्य करें इसके ऊपर आज गोष्ठी में चर्चा की गई। इसमें मुख्यतः अभी हम लोग का मुख्य फोकस जो अभी श्रावणी मेला है जिसमें शांतिपूर्वक सही से हम लोग का निकल जाए, पूरा डेपुटेशन हम लोग का सही से रहे। दूसरा आने वाला पर्व त्यौहार जैसे मुहर्रम है उसकी भी तैयारी होते, कोई भी जो वांछित अगर पुराने हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कहीं गड़बड़ करने की अगर कोई कोशिश करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और अभी पूर्व से ही हम लोग कुछ निरोधात्मक कार्रवाई उन पर कर सकें और साथ ही साथ कांडों में जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी या अन्य चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ आपराधिक गोष्ठी की। इसमें बहुत सारे पदाधिकारी जो पिछले महीने उत्कृष्ट कार्य किए थे, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा हथियार का बरामदगी हुआ था या अन्य जिसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी किए थे उन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है। कुछ अच्छे आईओज हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डबल कांड में डिस्पोजल किया था उनको भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। जो लोग अच्छा कार्य नहीं किए हैं उनको हम लोग चेतावनी भी दिए हैं कि अपनी कार्यशैली में वो सुधार लाएंगे। हो रहे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल के आधार पर जिला प्रशासन ने किया कार्रवाई। धोरैया चेक पोस्ट पर पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक श्री संजय कुमार पांडे के विरुद्ध 10,000 अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाने संबंधी मिथिलेश कुमार, पिता आशुतोष प्रसाद यादव, ग्राम एवं पोस्ट धर्मोडी, थाना महगामा, जिला गोड्डा, झारखंड की शिकायत का आवेदन जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल है उसकी जांच कराए जाने पर सही पाया गया। इस आलोक में समाहर्ता बांका के द्वारा श्री पांडे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अस्पष्ट अनुशंसा आयुक्त उत्पाद बिहार पटना को आज भेज दी गई है। श्री पांडे को धोरैया चेक पोस्ट से कार्य विरमित कर दिया गया है। बात करके संजय पांडे नाम पता बाद में मुझे चला कि उस व्यक्ति का नाम संजय पांडे सर थे, दरोगा जी का। तो फिर बोले कि सर बोल रहे हैं कि मोबाइल में पैसा है, फोन पे चलाते हो? हम बोले हाँ गूगल पे तो मैं चलाता हूँ। तो बोला चलो साहब के पास। फिर वो अंदर रूम ले गया, बोला बाबू ट्रांसफर करो 10,000 का और जाओ। फिर वो शायद उसकी पत्नी ही होगी आशा पांडे जिस नाम से मेरा इसकी साउंड में आया। और फिर जब मैं पैसा फोन किया तो फिर वो दरोगा संजय पांडे जी ने वाइफ को फ़ोन किया लगभग 11:45-44 में कि क्या मैडम पैसा पहुंच गया? मैडम बोलती है हाँ आ गया। तब फिर बोलता है जाओ। फिर मैं जब बाहर निकला पुनः हमें वापस ले बुलाया कि सुनो तुम यहाँ पे साइन करो सदा कागज में। हम बोले क्यों सर? बोला साइन करो कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैं बाहर में लिख दूंगा कि मैं भाई सही सलामत जा रहा हूँ। बोले सर लिख दीजिए ना। बोला बात बनाओगे फिर भर दूंगा। तो फिर मैं बोला ठीक है सर। तब तक
मोटा मोटी 12 बज गया था। फिर हम घर चले गए। आपका नाम क्या? मेरा नाम मिथेश कुमार हुआ, मैं महागामा धर्मौड़ी गुड्डा के रहने वाला हूँ और भाजपा का एक कर्मकर्ता हूँ।